वाल्मीकि समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन को थामा। आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे वाल्मीकि समाज के लोग ने आज आम जन आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वाल्मीकि समाज से आम मजदूर संयुक्त तो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव जावा के अपने तमाम लोगों को लेकर बीजेपी के मनोज तिवारी को दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर अपनी भागीदारी देने का ऐलान किया। दिल्ली बीजेपी कार्यालय से संजीव जावा आम आदमी पार्टी से उस समय से जुड़े हुए थे जिस समय आम आदमी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, यानी अड्डा हजारे की आंदोलन शुरू हुआ था। तब से आज जब संजीव जावा ने अपनी पार्टी को छोड़ा है तो आप पार्टी को झटका दर्द लगेगा और इसका असर आने वाले दिल्ली इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। संजीव जावा जो खुद मनोज तिवारी के अपने हाथों से पटका पहन रहे हैं बीजेपी के खो में शामिल किया। सर, आम आदमी पार्टी के आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी है, मैं इस पे बहुत बधाई देता हूँ जावा जी को और उनकी पूरी टीम को, लक्ष्मण जी को, राजकुमार सैनी जी को, राजकुमार सोनी जी को, महेंद्र जी को, इन सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, जिस पार्टी ने कहा था कि हम आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ये आम लोगों के लीडर हैं, वो ये मजदूरों के लीडर हैं। अगर मजदूर वर्ग भी अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से छोड़ करके चला गया बीजेपी में आ रहा है, तो फिर मुझे लगता है अब वो लक्ष्य भी हम पा लेंगे कि 7 में 7 और फिर 70 में 70 भी सोचने लगे हम लोग, तो ये जो है बहुत खुशी की बात है। जी, अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम संजीव जावा है। संजीव जावा जी, आप पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, क्या कारण था जो आज आपको बीजेपी का सहारा लेना था? कारण एक ही था, मजदूरों का जो हमें नहीं मिल रहा था। 4 साल हो गए हमें कोई हक नहीं दिया जा रहा था दिल्ली की सरकार के द्वारा। जब भी हम हड़ताल करते तभी हमें सैलरी का पैसा मिलता था, हमारे अधिकार हमें मिलते थे। तो मैं बताना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि सिर्फ झूठों की सरकार है और कुछ नहीं है। हमने मीटिंग भी कर ली सीएम से, उसके बावजूद भी हमें अधिकार नहीं दिए जा रहे। हमसे कहा जाता है कि जी हमें पूर्ण आजादी दिलाओ, हम जब आपके अधिकार दिलाएंगे। और अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि मेट्रो में फ्री किराया, जबकि वो भी नहीं होना। तो कुल मिला के झूठों की सरकार थी, जो इस बार हमने आने वाले तय कराया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर 70 के 70 विधानसभा में इस झूठों की सरकार को हटाना है और सभी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीटों से भारी मतों से जिताना है। संजीव जावा जी, क्या निर्णय लेकर आपने क्या मन में विचार था जो बीजेपी का आता था? हाथ तो सिर्फ मजदूरों का कारण थामा है मैंने, क्योंकि मजदूरों का एमसीडी के अंदर भी हमारी सरकार जो है, एमसीडी के अंदर बीजेपी था, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो हाथ तो सिर्फ मजदूरों के लिए थामा है हमने, और कोई हमारा ऐसा स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं हमारे मजदूरों को अधिकार मिले और हम भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेंगे कि मजदूरों के लिए अधिकारों के लिए हम बात करेंगे कि अभी किस तरीके से हमारे मजदूरों को उनके अधिकार दिलाए जाए। संजीव जी, निगम में दिल्ली में भाजपा सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है और आगामी चुनाव को देखते हुए क्या ये चुनावी मुद्दा है जो आपने आज बीजेपी ज्वाइन किया? नहीं, चुनावी मुद्दा तो नहीं, ये कहते नहीं घटा जो कि हमने पिछले 4 वर्षों से बता रहा हूँ आपको, हमने मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2017 का सीएम साहब कहते हैं कि हम 17 तक के बक्के कर देंगे, एलजी का फाइल गई है, ये सिर्फ झूठे बयानबाजी और कुछ नहीं है, जबकि वो दिल्ली सरकार के अंदर भी पक्के नहीं कर पा रहे। तो हमारे एमसीडी में जबकि उनकी सरकार नहीं, वो कैसे पक्के?